गर्मियाँ आ गई ने तो गर्मियों की सब तो वड्डी प्रॉब्लम है बॉडी नू हाइड्रेटेड रखना, पर पानी भी बंदा किन्ना कु पी लवे। सो ये तुहाडी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लैके अज असी आए हाँ। तो अज असी तुहानू दसांगे पांच इदां दीआं ड्रिंक्स जिहड़ियां कि टेस्टी भी ने ते बहुत ही सस्तियां ने, तुसीं घर विच ईजीली बना सकदे आ। सो करदे आ शुरू। सो शेफ, आपां पहलां केड़ी ड्रिंक तो स्टार्ट करांगे? आपां मैं पहला बनावांगे मैंगो म्यूल। हाँ जी, तो इहदे वास्ते आपां नूं की की चाहिदा तुहानू दस्सां। क्यूकंबर स्लाइस है, ठीक है, हनी, हाँ जी, लेमन स्लाइस, हाँ जी, ठीक है, माजा या फिर स्लाइस ले सकते हैं, ठीक है, मैंगो प्यूरी भी कर बना सकते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। इस तो अलावा जिंजर बियर, ओके, देन आइस, ये नॉन अल्कोहल क्या? नॉन अल्कोहल बियर है, ओके ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करिए, स्टार्ट करते हैं, हाँ जी। सबसे पहले अपन चाहिए शेकर, ठीक है जी। अगर मान लो घर में शेक करनी है तो फिर आप किस चीज का यूज कर सकते हैं? स्टेनलेस ग्लास जो भी ले सकते हैं अपन, इतने कुछ, ठीक है, ठीक है। नॉर्मली क्या आपको मडलर करना होता, इन्होंने जैसे कहते हैं मडलर, हाँ जी, ठीक है। तो सब तो पहले आप ये चार तो पाँच स्लाइस पावे क्यूकंबर दे, ठीक है जी, और हनी, ओके, हनी अकॉर्डिंग टेस्ट भी कर सकते हैं आप टेस्ट हिसाब नाल, ठीक है। हनी ज़्यादा मीठा है ऑलरेडी, हाँ जी, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। लेमन अपना जूस पा लेंगे, ठीक है जी, तकरीबन 1 टेबलस्पून, 1 चम्मच, ओके, फ्रेश बिल्कुल 1 चम्मच लेमन जूस अपना ऐड करना, ठीक है जी। इन्हों से मडलर कहते हैं, ठीक है, बुड़न का भी होंगे, इन्हों पर अच्छी तरह मिक्स कर लेना, ओके, ठीक है, मर्ड कर लेना इन्हों, तो देख सकते हैं ये होंगे जो क्यूकंबर का हनी का नींबू का, हाँ जी, इन्हों का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता मिक्स होकर मडल करना, ठीक है, ठीक है। इन्हों तकरीबन असी 30 सैकेंड वास्ते अच्छी तरह से मडल करना, ओके। हुण इहदे विच असी ऐड करांगे मैंगो जूस, ठीक है, तकरीबन 100 ml, हाँ जी, ठीक है। दैन फोर्थ साडा इन्हों इस तो मिक्स करके, क्योंकि ये थोड़ा जहा गैस होंगी अपने, याद रखना जो आप शेक करना है, हाँ जी, इन्हों चार चीज़ों शेक करना, बियर पा के आप शेक नहीं करना, अदरवाइज का सोडा होंगे ना, हाँ जी, सर बाहर आ जाएगा, ओके, ठीक है। इन्हों 10 सैकेंड लिए इस तरह शेक करने का तरीका क्या होंगे देखो इन पढ़े आप, ठीक है, प्रॉपरली मिक्स हो गया सारा कुछ, ओके। और एक चीज़ ध्यान रखना नाल दे नाल आप जो कोई भी क्लीनिंग का जरूर ध्यान रखना, बाल काउंटर देंदे हुण आपां इहदे विच बियर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। बियर ऐड करने तों बाद इहनूं अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हाँ जी, ते बीयर इन्हें मग दे विच यूज़ करूँगा, इहदे इहनूं पर किहदे विच आपां प्रेजेंटेशन करनी है मग दे विच, क्योंकि बीयर वर्ड जिथे यूज हो गया तो बीयर मग, ठीक है, चल जाएगा, ओके। थोड़ी गार्निशिंग करांगे आपां, बिल्कुल पतले मैं स्लाइस कटे हुए आ, हाँ जी, क्यूकंबर दे इस तरह नूं तुसीं देख सकते हैं, मग दे नाल आपां ऐड कर देंगे, हाँ जी। इस तों बाद इहनूं आपां ग्लास च पोर कर देना, और देखो ऑलरेडी सानू इहदे हैवी गार्निश करने की जरूरत नहीं पैंदी, हाँ जी, ठीक है। इहदे नाल आपां कोई भी स्ट्रॉ यूज नहीं करांगे क्योंकि ऑलरेडी मग है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह इहनूं आपां सर्व कर सकते हैं। सो साडा मैंगो म्यूल तैयार है, तो हुण असीं बनावांगे नैक्सट ड्रिंक, देखते हैं कीड़ी है। सर साडी सैकेंड ड्रिंक कीड़ी है? सैकेंड ड्रिंक मैं बनाने जा रहे हैं मिंट, हाँ जी, कोकोनट, कोकोनट क्यों होता है, कोकोनट पानी यूज करते पे हैं, ठीक है, ठीक है। मिंट, कोकोनट, क्यूकंबर, कूलर, ओके, तीनों चीज़ें ठंडिया होंगे तस्वीर के, इस दे तो नाम विच ही इन्नी ज़्यादा ठंडक सुनने नूं मिल रही है। तो स्टार्ट बहुत ही ईजी है, घर से कुछ नहीं, आप ग्लास लवेंगे, सब तो पहला ये आप ऐड करेंगे चार तो पाँच स्लाइस क्यूकंबर, क्यूकंबर दे,
उस तो बाद आप इसे लेमन जूस ऐड करेंगे जस्ट फॉर 1 टीस्पून। ठीक है, हुण असीं इहदे विच ऐड करेंगे कुछ लीव्स साढ़े को फ्रैश बिल्कुल पे हुए हैं पुदीने दे। हाँ जी, इन्हों आप ऐड ऑन कर देंगे इहदे विच पुदीने के पत्ते बिल्कुल। और ऑप्शनल है अगर असीं यूज करना इहदे विच शुगर, क्योंकि इहदे विच जो कोकोनट पानी है बिल्कुल फिक्का होंदा है, इहदे विच मिठास नहीं होंदी थोड़ी जी। बिल्कुल, अगर तुसीं चाहुंदे तां एक चम्मच इहदे विच तुसीं शुगर पाउडर ऐड कर सकदे हां। ते आपां इहदे विच कोकोनट पानी पावांगे। हाँ जी, अगर आप चाहते बच्चे आप आइस क्यूब पा सकते हैं एक या दो पीस। बिल्कुल, थोड़े आप गार्निशिंग करना है स्ट्रॉ के नाल, अपने को स्ट्रॉ पे हुए हैं और आप ईजी है इनग्रीडियंट्स मिक्स करने जस्ट आप और तैयार है साढ़ा। ठीक है, ओके। ड्रिंक्स साडियां रेडी ने ते ओ बहुत ही ईजी सी, ते हुण असीं वधदे आं तीसरी वल। सर दसो तीसरी ड्रिंक। तीसरी अपनी ड्रिंक हैगी आ पाइनएप्पल जिंजर बीयर। ठीक है जी। ठीक है, इहदे विच आपां इनग्रीडियंट्स की है जिंजर जूस। हाँ जी। ठीक है, पाइनएप्पल जूस एंड बीयर। ठीक है, जिंजर फ्लेवर बीयर। ओके, थोड़े से आइसक्रीम तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है। सब तो पहले आप एक ग्लास या बीयर मग लवांगे। हाँ जी, 2-3 क्यूब्स आइस से पावांगे। इस तो बाद एक चम्मच जिंजर जूस जो वह फ्रेश बनाया हुआ, देन उस तो पाइनएप्पल जूस। ठीक है जी, देयर 100 ml जिंजर फ्लेवर बियर, और आप एक गार्निश करेंगे जिस तरह आप देख सकते एक अपना स्लाइस कटिया हुआ लेमन का। हाँ जी, इन की करना हल्का जहा कट लगाना और इस तरह लगा के नाल आप एक मिंट फ्रेश स्ट्रॉ इसी के साइड थर्ड पाइनएप्पल जिंजर बियर। सो हुण वधदे आ चौथी ड्रिंक वल। सर करिए स्टार्ट। बिल्कुल मैम, हुण आपां बनाउण जा रहे हैं चौथी ड्रिंक जिहड़ी अपनी हैगी मिंट। ठीक है, मिंट तुसीं कहिंदा काफ़ी मिंट दा टेस्ट यूज करते हैं क्योंकि गर्मी है, मिंट ठंडे दिंदा, मिंट एंड क्यूकंबर समूदी। हाँ जी, ठीक है, अलग अलग यूज कर सकते हैं। पहले चाहिए सानूं क्यूकंबर चाहिए आ 1/2 कप, ग्राइंड कर लेना सारे, ग्राइंड कर लेना बिल्कुल। ते मिंट कुछ बिल्कुल फ्रेश अपन लीव्स लेने हैं, और थोड़ा जहा पानी पाके चिल्ड वाटर पाके पा इन ग्राइंड कर लेंगे। मोदी से मिंट और क्यूकंबर का दोनों का होंगे तुम इस तरह बनाने पाइनएप्पल और मैंगो स्मूदी। हाँ जी, जस्ट ऐड पाइनएप्पल स्लाइस और मैंगो एक। ठीक है, वो तो मैंगो और पाइनएप्पल स्मूदी। हम आप पावे थोड़े जहा ब्लैक सॉल्ट। हाँ जी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक, तो थोड़ा जहा लेमन जूस
अगेन थोड़ा जिहा आप फिर तो इनू ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिए हूँ एक चीज़ दसा इन आप रिमिंग करांगे। रिमिंग का मतलब कि होंगे कि आप एक प्लेट ले ठीक है जी ये आप काला नमक थोड़ा जिहा काली मिर्च पा के इन्हें मिक्स कर लेना अच्छी तरह। हाँ जी रिमिंग का मतलब होंगे जो आप ड्रिंक कोई बना सिप लवेंगे तो ना टेस्ट आएगा ठीक है। जिस तरह अपने को लैमन स्लाइस ग्लास में उल्टा किया इस तरह लैमन रखे चारे पासे लैमन लगा दो जूस लगा दो ठीक है। लगाने तो बाद ये इन इस तरह रिम कर लें जिस कॉल रिमिंग ये कि जो आप सिप लवेंगे तो टेस्ट आएगा वो काली मिर्च और थोड़ा चटपटा फ्लेवर आ जाएगा। ये साड़ी चौथी ड्रिंक रेडी हो गई मिंट एंड क्यूकंबर स्मूदी ठीक है जी। ये सिंपल है कोई लेमन स्लाइस लगाना चाहे लगा सकते हैं अदरवाइज इस तरह पर ले सकते हैं। सो साड़ी फिफ्थ लास्ट ड्रिंक का सारा सामान रेडी है शुरू करिए सर। जी अपने पंजवीं तो लास्ट है अपनी वो है गुआवा लाइम कूलर। ओके गुआवा साड़े अमरूद अमरूद ठीक है असली लाल वाला अमरूद यूज करते पे हैं एक कटोरी तकरीबन। वाइट भी यूज कर सकते हैं सर। वाइट यूज करते लाल दे नाल थोड़ा कलर अच्छा होगा यार टेस्ट वाला अलग होता है वाइट भी यूज कर सकते हो। ओके ठीक है लेमन जूस 1 टीस्पून के करीब और चिल्ड वाटर ठंडा पानी पाना सी विच हाफ कप के करीब ग्राइंड हो चुका ठीक है थोड़ा जिहा पानी आप होर पा सकते ठीक है। हाँ जी थोड़ा जिहा वाटर लिक्विड आप पा लेंगे जो आप ब्लेंड कर लिया। हाँ जी पानी के नाल ठीक है लैमन तो अपने गुआवा तो आप छान लेना है छान के नाल की होगा जो जिन्हें भी सीड्स है अपने वो सारे बाहर आ जाएंगे देख सकते हो तुसीं हम ये थोड़ा जहा पानी ठंडा होर ऐड करा जो आप आइस क्यूब पा सकते हैं रेड चिली पाउडर एक चाट मसाला ब्लैक सॉल्ट चम्मच शुगर पाउडर ग्लास से डायरेक्टली पाने तो पहले आप इन्हें एक अलग पोर कर लेंगे ये साड़ा तैयार है स्लाइस लेके आप एक लेमन का थोड़ी कटिंग करके साइड तो एक दो आइस क्यूब्स क्योंकि चिल्ड चाहिए थोड़ा ऐड कर देंगे ये साड़ा फिफ्थ ड्रिंक रेडी हो गया मॉकटेल। आपने जो यहाँ पर डिश आज देखा हमारे यहाँ पर इस डिश को सीखने के लिए आप हमारे यहाँ NFCI में आ सकते हैं सीख सकते हैं और
इसी तरीके से हम बहुत सारा मतलब होटल मैनेजमेंट के चारों डिपार्टमेंट्स यहाँ पे कराते हैं, विच इज़ हाउसकीपिंग, F&B सर्विस, कल्नरी स्किल्स, बेकरी का भी कराते हैं जिसके अंदर में, और F&B सर्विस जहाँ पे हम सर्व करना, फूड को सर्व करना भी बताते हैं। और साथ साथ में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो साथ में ही प्लेस हो जाते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप पे जाएं मतलब अपना काम करें, या फिर इंडिया या अब्रॉड में किसी अच्छे होटल रेस्टोरेंट में करें। अभी तक हमारे मतलब अगर हमारे सेंटर को 32 साल हो गए हैं तो 22,000 स्टूडेंट को हम लोग प्लेस कर चुके हैं, और करीबन इसी कोविड टाइम के अंदर में 200 से 250 बच्चों ने अपना ऑनलाइन प्रोग्राम भी शुरू करा है, मतलब अपना ऑनलाइन सेलिंग शुरू करा है बेकरी आइटम्स का, केक्स का। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जैसे 3-3 स्टूडेंट्स ने अपनी पार्टनरशिप करके अच्छी फैक्ट्री ओपन कर ली है, मतलब बेकरी की बहुत बड़े यूनिट बना लिए हैं, करीबन उनका एक साल का करीबन 4 से 5 करोड़ रुपए का वैल्यू है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो। हमारे जो एडमिशन्स होते हैं जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर में एडमिशन साल में सिर्फ एक बार होता है, बट हमारे हर महीने होते हैं, बिकॉज हम लोगों का वोकेशनल स्किल के अंदर में आता है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में। तो हर महीने बच्चे हम एनरोल करते हैं, हर महीने ही बच्चे पास आउट होते हैं और आगे लाइफ में सेटल होते हैं। कोर्सेज हमारे पास में 1 महीने से लेकर और 1 साल तक के कोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने ये मॉकटेल करवाई हैं अभी, तो ये मॉकटेल का भी अलग से एक कोर्स है जिसे हम बार टेंडिंग के अंदर में इंक्लूड करते हैं, और ये बच्चे अपना मतलब जॉब कर सकते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर, उनके लिए बार टेंडिंग का जॉब है या F&B सर्विस के अंदर में जॉब है, जो जिसका जो सैलरी होता है 15,000 से स्टार्टिंग सैलरी होता है। हमारे जो सेंटर्स हैं 16 सेंटर्स हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे आपके पंजाब में 6 सेंटर्स हैं, 5 सेंटर्स हमारे हिमाचल में हैं, तो आप हमारी वेबसाइट है www.nfcihospitality.com और ऐसे ही ऑनलाइन लर्निंग के लिए हमारे पास में www.theilearning.com, वहाँ पर आप कर सकते हैं।